हाय गाइस, वेलकम टू मासे विरासत। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। गाइस, आज अपने फ्रेंड क्यांस के साथ मिलकर अपनी सीरीज का पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ। इस पार्ट टू में हम क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए हम सेंटा बनाने वाले हैं विद पेपर। सो उसको साथ में हम उसका प्रोसेस भी बताएंगे, उसको कलर भी करेंगे। सो गाइस, ये रहा मेरा फ्रेंड क्यांस। हाय गाइस, वेलकम टू मासे विराट शो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। सो बिना देरी किए हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, पहले मैंने एक वाइट कलर की A4 साइज शीट ली है। आप चाहें तो रेड शीट ले सकते हैं। तो चलिए, पहले अब हम इस शीट को कुछ इस तरह फोल्ड कर देते हैं। और फिर सीजर लेंगे और इसके बीच में यहाँ जो एक लाइन आई है, इसके बीच में से यहाँ से हम इसे कट करेंगे। गाइस, इस शीट को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम इसे रोल करेंगे। गाइस, मैंने इसे रोल कर लिया है और अब हमें इसको टेप से चिपकाना है। आप चाहें तो ग्लू या फिर हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हमने इसको चिपका दिया है टेप से। तो अगर आपके पास टेप ना हो तो आप ग्लू या फिर हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। गाइस, अब हमें इसे नीचे से थोड़ा कट कर लेना है, क्योंकि सेंटा का सर ही पे इतना लंबा नहीं होता। अब इसे हम किसी साइड से थोड़ा सा कट कर लेंगे। गाइस, मैंने इसे थोड़ा सा बीच में से कट कर लिया है, क्योंकि सेंटर ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो फिर उसमें थोड़ा वीडियो को टाइम लगेगा। तो अब हम इसके लेग्स बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो ये पेपर कट किया था, इसे हम एक और बार आधा फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ बीच से कट कर लेंगे लाइन से। गाइस, अब इसे कट करके एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और अभी इस पार्ट को थोड़ा सा पतला फोल्ड करेंगे और अब हम इसे सेम उसी तरीके से चिपकाएंगे जिस तरीके से हमने सेंट का ये मोटा वाला पार्ट चिपकाया था। गाइस, यहाँ पर मैंने इसे टेप से चिपका लिया है और अब हम इसे एक बार हाफ फोल्ड करके यहाँ बीच में जो लाइन आई है यहाँ से इसको कट कर लेंगे और फिर ये जो हमने सेंटा का मोटा वाला पार्ट बनाया है इसके बीच में इसे पेस्ट कर लेंगे। गाइस, मैंने इसे यहाँ पर ग्लू और टेप की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ऐसे ही हमने जो इसका दूसरा ये पार्ट बनाया था, इसे भी हम इतना ही ग्लू या फिर टेप की मदद से चिपकाएंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने दूसरे लेग को भी चिपका लिया है और अब हम इसके हैंड के लिए भी सेम मैन्युफैक्चर यूज करेंगे। इसके लिए हमने जो दूसरी शीट उस पार्ट को हाफ कट किया था इस उसके हैंड के लिए सेंटा के, हम इसे भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। गाइस, मैंने दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लिया है और इसे अब हमें जल्दी चिपकाना है ग्लू से। गाइस, मैंने इसके ये हैंड को भी चिपका लिया है। अब हम इसको भी उसी तरीके से हाफ कट करेंगे जिस तरीके से हमने सेंटा के लेग्स को किया था। यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस अलग कर लिए हैं और अब इसे हम सेंटा के मोटे वाले पार्ट पर चिपकाएंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने इसका दूसरा हाथ भी चिपका लिया सेंटा का और अब हम इसका फेस बनाएंगे विद कार्डबोर्ड।
गाइस यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के पीस पर सेंटा का पूरा फेस ड्रॉ कर लिया है। आप अपनी मर्जी से सेंटा का फेस किसी भी टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। गाइस अब मैंने सेंटा का फेस कार्डबोर्ड से कट कर लिया है और अब हम इस पर व्हाइट कलर की शीट पेस्ट करेंगे। गाइस यहाँ पर मैंने ये सेंटा के फेस पर शीट पेस्ट कर ली है और अब हम इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्केच या फिर ब्लैक मार्कर आप यूज कर सकते हैं, सेंटा का फेस बनाएंगे। गाइस क्या उसने ये अपनी इसकी आंखें, इसका ये सर, इसकी आंख बोल दिया मैंने, इसकी नाक, उसकी मुछे, इसकी दाढ़ी बना रहा है अभी क्यांस। तो गाइस क्यांस के जब तक बनाने तक मैं अभी क्यांस के बनाने की बहुत मिलती है। गाइस ये मैंने सेंटा का फेस अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और अब हम कोई सा भी पेपर लेंगे और उसे कुछ इस तरह से रोल करेंगे। गाइस मैंने इस पार्ट को ग्लू से चिपका लिया है और अब हमें इसे यहाँ पर अंदर होल में घुसाकर पेस्ट कर लेंगे। हड्डी है क्या ये? हड्डी नहीं है तो क्या है? अपने बड़े इसको बताइए क्या है। गाइस ये मुझे पता चल गया, बताओ क्या है, बताओ। इसके ऊपर ये सेंटा अटैच करेगा। यस गाइस अविराज ने बिल्कुल सही कहा, अटैच करेगा। अब इसको अभी हम पेस्ट कर देंगे, अंदर के पेस्ट करने के बाद मिलते हैं। हाय गाइस यहाँ पर इसने इसके अंदर चिपका दिया। अब हम ये सेंटा का जो फेस है, हमने आपको अभी थोड़ा पहले बताया था कि इस ये जो हमने स्टिक बनाई है इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, तो अब इसके ऊपर हम पेच कर लेते हैं। गाइस गाइस ये क्यांस ने ना इसका सर चिपका दिया है तो सेंटा ऐसा है। सो गाइस अभी हमें इसको बस कलर करना है और इसके पीछे हमें एक शीट लेनी है और इसके पीछे इसे थोड़ा सपोर्ट देने के लिए इसके गर्दन को, उस शीट को इसके पीछे चिपका लेना है ताकि इसकी गर्दन को थोड़ा सपोर्ट मिले। गाइस अब हम इस रोल को यहाँ बीच में से थोड़ा सेंटा के गर्दन के थोड़ा बराबर तक इसे हम कट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर हमारा सेंटा का पपेट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है लेकिन अभी इसे पेंट करना बाकी है। तो आप इसे सेंटा कलर से पेंट कर दीजिएगा। अभी हम इसके और पार्ट्स बनाते हैं जैसे कि इसकी ड्रेस में बेल्ट 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 बटन बटन वो, बना, बना, बना। वो सब कुछ हम बनाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं वो सब कुछ बनाने के बाद। गाइस यहाँ पर हमारा सेंटा कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी हम इसे कलर करना है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो। हाँ लेकिन अभी वीडियो प्रॉब्लम की वजह से हम इसे ज्यादा देर तक वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए आप इसे अपनी मर्जी से कलर कर दीजिए और उसका एक अच्छा सा स्टैंड बना दीजिए। बाय गाइस। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हमें सबसे पहले 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो चलिए बाय गाइस।